Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और enjoy कर रहे हैं life को. So आज है जी 15th of April, 25th Ramazan and यहाँ पे मैं सुला रही हूँ अभी इशाल को. And after that I'll be heading towards day 3 training. इधर मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन पर एंड चलते हैं. बहुत ही मेंटेन माशाल्लाह, बहुत ही नीट क्लीन सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है माशाल्लाह. वैसे भी सिस्टमेटिकली जहाँ पे भी चीज़ें चल रही हों वो बहुत ही बेहतरीन लगता है काम. सो इधर अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का, जो कि बस आने ही वाली है अब. लगा लेते हैं अब डे 3 की अटेंडेंस. बिकॉज आज है सैटरडे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो है वो दोबारा हफ्सा के पास ही रुकूँ. सो वहाँ से मैंने इशाल को कर दी है कॉल, इशाल आ जाएगी आधे रास्ते तक, आधे रास्ते से मैं पिक कर लूँगी उसे. तो हम आज फिर हफ्सा के पास ही रहेंगे. एंड दिस इज़ इशाल, फ़र्स्ट टाइम ट्रेवलिंग ऑन ऑरेंज लाइन. यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हॉस्टल और अब थोड़ा ही टाइम रह गया है इफ्तारी होने में. सो इफ्तारी कर लेते हैं जल्दी से. ये माशाल्लाह अब तो तबीयत इनकी काफ़ी सेट हो गई है. आने से पहले थोड़ी ख़राब थी, जब आए थे तो फिर भी ख़राबी थी. अब हमने डिसाइड किया है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं और हम आ गए हैं द चीज़ फैक्टर. ये देखें ज़रा अपनी लाला के साथ इशाल खेलते हुए. एंड बहुत ही अच्छी वाइब थी यहाँ की भी, बहुत इन्जॉय किया था हमने. एंड द फूड इज़ हेयर, बहुत ही यमी फूड था. ऐसे बैठे बैठे प्लान बन गया है हमारा इधर आने का. हम अब आ गए हैं इधर बॉलिंग करने. मैं तो खैर फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, सो इशाल भी यहाँ पे इन्जॉय कर रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. उन्होंने बिल्कुल तंग नहीं आई थ्रू आउट, जितना भी माशाल्लाह सफ़र भी किया उसके बाद इधर भी आए, हम चीज़ फैक्टर भी गए, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तंग नहीं किया इन्होंने. बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह सुकून से बैठी हुई हैं और ये सब ट्राई कर रहे हैं. सारे काम हो गए हैं डन शन एंड अब जा रहे हैं हॉस्टल वापस. बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद वी आर बैक टू द हॉस्टल एंड नमाज अभी पढ़ने वाली है. सो जल्दी से अब करना है वुजू और नमाज पढ़नी है, कुछ नवाफिल अदा करने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सहरी का टाइम हो जाएगा. नेक्स्ट डे 26th ऑफ अप्रैल, आज है संडे. सो हम कल रात इधर ही थे हफ्सा के साथ हॉस्टल में, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया कल हमने. अभी इशाल फ़िलहाल सो रहे हैं, 11-12 बजे का टाइम हो गया. एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि थोड़ा बाज़ार सर्च कर लिया जाए. सो बाज़ार जाके देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं फॉर इशाल एंड फॉर एवरीवन एल्स. ये बिल्कुल ही सामने एरिया है सारा उनके हॉस्टल के ही, कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता. एंड हैव अ लुक हफ्सा ने क्या गिफ्ट किया है हमें, क्योंकि इसके बाद से हफ्सा से मुलाकात नहीं हो पाएगी. ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 4 बजे का, शाम के 4 बज रहे हैं. एंड मैं अब और इशाल जा रहे हैं घर वापस. सो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग अब अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रह रहे हैं. सो भाभी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इशाल का ख्याल रखती हैं, न्यू कपड़े स्टिच करके पहनाती हैं उसे जब मैं वापस गई होती हूँ. बल्कि वो परसों इंसिस्ट कर रही थी कि ना जाया जाए और मेरे पास ही रुक जाओ, मेरा इशाल के साथ बहुत दिन लग गया. बट
आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई कज़न. सो यहाँ पे आ गई थी मैं. सो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.